झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज हम सीएम बनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बचपन से हमारी कर्मभूमि दुमका है, जब हम पैंट संभालना नहीं आता था तब से, और आज राज्य के मुखिया बनकर सत्ता संभाल रहे हैं। लोगों के सहयोग के लिए शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने सभी आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का आश्वासन दिया। दुमका राजभवन में मीडिया और प्रबुद्ध नागरिकों के मिलन कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही। साथ ही कहा कि लोगों से आग्रह किया कि आप फूल न दें, इसके बजाय हमें पुस्तक भेंट करें, ताकि एक लाइब्रेरी बनाकर उन लोगों तक सुलभ रूप से पढ़ाई के लिए पुस्तक मिल सके जो पैसे के अभाव में पुस्तक नहीं खरीद पाते। इधर मीडिया द्वारा भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएंगे उन्हें जेल भेजेंगे, ब्लॉक से लेकर जिला तक किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। इससे पूर्व सीएम ने दुमका मांझी थान में आयोजित सोहराय कार्यक्रम में मांदर बजाकर जमकर थिरके मांझी थान और वीर कुंवर चौक स्थित माँ दुखरनी, जिसको कि माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना भी की। काफी गौरव महसूस होता है। मैंने पहले भी कहा, मुझे यहाँ पर पहले भी नेतृत्व करने का मौका मिला था और इसी जिला में, इसी जिला के स्कूल में मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई। जब हमें पैंट संभालना नहीं आता था, जब दुमका के सड़कों पर हम घुमा करते थे, नाक से नेटा बहता था, वो पोछने की स्थिति नहीं थी, और उस जगह का प्रतिनिधित्व करने में क्या खुशी मिलती होगी या और आज निश्चित रूप से हमारा ये कर्म भूमि वो हम अपने माता पिता के रूप में समझते हैं, मानते हैं और इसको मान सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे। इसमें आप सब लोगों की भी अहम भूमिका भविष्य में होगी, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस अल्पकाल में आप लोगों ने यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होकर हमें गौरवान्वित किया है। जांच कमेटी करप्शन पर तो कोई समझौता ही नहीं किया जाएगा, उसको आगे बढ़ाएंगे। ब्लॉक से लेकर के जिला कार्यालय तक अब भ्रष्टाचार का जगह नहीं रहेगा और बिल्कुल मुस्तैदी के साथ तीसरी आंखें घूमेंगी, जो ऐसे करते हुए पकड़ाएंगे वो जेल जाएंगे। काफी स्थिति काफी बदहाल है, एकदम बिल्कुल अब बदलाव आपको दिखेगा। अभी हम लोग 10-15 दिनों के बाद हम लोग सरकार पूरी गति के साथ आगे बढ़ेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण पर हम लोग आगे काम करेंगे, किसानों के समृद्धि पर काम करेंगे। और अभी तो कल ही मुझे कुछ डॉक्टरों से बात